हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजाज गुड लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेरे चैनल में आपको हर बार कुछ नया सिखाती हूँ, तो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ मटर मशरूम, और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलो आइए देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे कटे हुए प्याज, लहसुन, कटा हुआ टमाटर, अदरक और कुछ गरम मसाले जैसे कि तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, फेटी हुई दही और केशु, और जो कि हम बनाने जा रहे हैं मशरूम और बॉयल मटर। डियर फ्रेंड्स, हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे। अब हम ऑलमोस्ट हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें 1 स्पून जीरा डालेंगे। जीरा डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम इसमें अब कटे हुए प्याज डालेंगे। इन प्याजों को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। हमें इन्हें लाइटली ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और हाँ, ध्यान रहे हमें प्याज बारीक नहीं काटना, थोड़ा खड़े खड़े काटना है, क्योंकि बाद में हमने इसकी प्यूरी भी बनानी है। अब हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे जो कि हमने पहले से ही छील रखा है, और हम इसमें कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। और हाँ, तीखेपन के लिए हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। हमने एक ही हरी मिर्च डाली है ताकि ये ज़्यादा तीखी ना हो। और जो हमने रफली टमाटर काटे हुए हैं वो भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे थोड़ा गलने तक हम कम आंच पर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें 1 स्पून नमक डाल देंगे। आप इसमें अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाएं। अब हम देखते हैं कि हमारे टमाटर गल गए हैं। तो लीजिए, देखिए हमारे टमाटर बिल्कुल गल गए हैं। अब हम अपनी गैस को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर देंगे। अब हम इस मटेरियल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमने मशरूम लिए हैं, हम इसको अच्छी तरह से वॉश करेंगे और उसके बाद हम इसे काटने की तैयारी करेंगे। अब हम मशरूम को काट लेंगे थोड़ा इस तरह से। देखिए, अब हमारी मशरूम जो है कट चुकी है। अब हम पानी लेंगे और इसमें हल्दी डालेंगे, नाम मात्र हल्दी डालेंगे, और इसमें हम अपने कटे हुए मशरूम डाल देंगे और इसे एक उबाला आने तक आंच स्लो आंच पर रखेंगे। डियर फ्रेंड्स, हम इसमें हल्दी इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये और भी मशरूम को हाइजेनिक कर देती है। देखिए, अब इसमें उबाला आ चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन मशरूम को छान लेंगे। हम देखिए, अब हमारा मटेरियल जो है ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मिक्सी के जार में डालेंगे और इसकी ग्रेवी बनाएंगे। और जो हमने केशु रखे हुए थे वो भी हम इसी में डाल देंगे और इसको भी इस मटेरियल के साथ मैश कर देंगे। ही कढ़ाई में देसी घी डालेंगे और देसी घी थोड़ा गर्म हो जाएगा। 1 स्पून के अप्रॉक्सीमेटली हम देसी घी डाल देंगे। इसे गर्म होने देंगे
हमारा घी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है। अब हम इसमें मशरूम डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसमें कसूरी मेथी मिला देंगे। अब हम अपने मशरूम को कढ़ाई से बाहर निकाल देंगे। ये थोड़े फ्राई हो गए हैं। अब हम इसी घी में थोड़े गरम मसाले डालेंगे, जैसे कि दालचीनी जो हमने ली थी, तेज पत्ता, लौंग, और थोड़ा इसको पकने देंगे। इसके बाद हम इसमें ग्रेवी, जिसका हमने पेस्ट बनाया था, वो भी इसमें हम मिला देंगे। और इसे अच्छे से घुमाएंगे। अब हम इसे घुमाएंगे थोड़ा कलर चेंज होने तक। देखिए, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो रहा है। अब हम इसमें थोड़े मसाले डालना शुरू करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कश्मीरी मिर्च डालेंगे, इससे इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें हम 1 स्पून हल्दी पाउडर और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, यानी कि 1 स्पून धनिया पाउडर, मैंने इसे घर में ही पीसा है, इससे ये दरदरा है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे अच्छे से घुमाएंगे, ऑयल छोड़ने तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा नमक और ऐड कर सकते हैं, अगर आपका नमक कम है, अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें नमक डाल लीजिए। इसमें अपने बॉयल मटर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें अपना फैटा हुआ दही भी मिलाएंगे। ध्यान रखिए, इसे तेज आंच पर डालना है ताकि ये दही हमारा फटे नहीं। और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। देखिए इसका फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है। अब हम इसे थोड़ा ढक देंगे और इसे कुछ देर के लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट के लिए पकने देंगे। इसमें हल्का सा उबाल आ गया है, हमारी ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें जो हमने मशरूम बाहर निकाले थे वो हम इसमें मिला देंगे और फिर इसे 5 से 10 मिनट तक ढककर फिर से हम इसे पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मटर मशरूम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करने के लिए बाउल में डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे मटर मशरूम कितने सुंदर लग रहे हैं। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया पत्तों के साथ। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं रेस्टोरेंट वाला स्टाइल सिखाऊंगी, तो इसमें क्रीम तो बनती ही है, तो हम इसे क्रीम के साथ भी गार्निश करेंगे।
डियर फ्रेंड्स, देखिए हमारा मटर मशरूम जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल में है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको मटर मशरूम के लिए रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा। तो देखिए और आप बताइए कि मुझे कि आपको मेरा मटर मशरूम रेसिपी कैसी लगी, और आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।